नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव एवं रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको मेरा ग्रह मेरी जिम्मेदारी गतिविधि के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेरा ग्रह मेरी जिम्मेदारी। इस गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक ने बच्चों को सबसे पहले विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन के बारे में बताया, प्लैनेट को, ग्रह को जिन जिन चीजों से नुकसान होता उन सभी चीजों के बारे में अवगत कराया कि किस प्रकार से पॉल्यूशन से, मृदा का सही तरीके से उपयोग न करने से, यहां वहां गंदगी फेंक देने से हमारा जो प्लैनेट है वो गंदा होता है और एक लंबे समय तक इस तरीके को करने से वह नुकसान भी होता है। तो बच्चों को इन चीजों के बारे में बताने के बाद शिक्षक ने उनके द्वारा बच्चों के साथ मिलकर किस प्रकार से कम्युनिटी को अवेयर किया जाए और उनको जागरूक किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत उन्होंने बच्चों से पैम्पलेट्स बनवाए, पोस्टर्स तैयार करवाए और पैम्पलेट्स और पोस्टर तैयार कराने के बाद उनको बच्चों के साथ रैली के रूप में, कॉन्फ्रेंस के रूप में, डोर टू डोर कैंपेनिंग के रूप में घर घर जाकर लोगों को पैम्पलेट्स देकर समझाकर इन सभी चीजों के बारे में बताया गया। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए बगल के विद्यालय में और विद्यालय के बगल में कोई फैक्ट्री है जहां से बहुत आवाज आती है या बहुत वहां से ध्वनि प्रदूषण होता है या वायु प्रदूषण होता है, तो बच्चे वहां जाएंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से शासन के क्या क्या ऐसे तकनीक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उसको कम कर सकते हैं और प्लेनेट को सुरक्षित रख सकते हैं ताकि यहाँ पर सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक रह पाए। और चूंकि हमारा प्लेनेट में हम ही बुराना है, इसलिए वो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए बच्चों को इसके माध्यम से भी अवेयर कराया गया और कम्युनिटी को बच्चों के माध्यम से अवेयर करने का प्रयास शिक्षक ने किया है। तो हम आशा करते हैं कि नवाचार आपको अच्छा लगा होगा और इसे अपने कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस तरीके कई बेहतर नवाचार हम आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।